नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स एंड लर्नर्स इन दिस लाइव सेशन ऑफ CIIT NCERT। इसमें हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसे हम लेकर आए हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा टॉपिक रहने वाला है टिश्यूज़, यानी कि टिश्यूज़ पर हम बात करेंगे। और बच्चों, टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बात करने के लिए। और जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो कई तरह के टिश्यूज़ सामने आ सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस स्मृति यादव। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम के बारे में हम आपको बता दें, मैम TGT साइंस है, आर्मी पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ कैंट से। और आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो टिश्यूज से जुड़े, आप प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करना चाह रहे हो या फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करना चाह रहे हो, या इस चैप्टर में कहीं पर आप अटक गए हैं, अपना नॉलेज इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। और अगर आप हमसे अपना फीडबैक भी पहुंचाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स, आपके सभी डाउट्स का स्वागत है, आप ज़रूर हमसे जुड़ें। और मैम, हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टिश्यूज, राइट? सो व्हाई वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैम, क्यों हमने ये सिलेक्ट किया है? जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लास 9 साइंस चैप्टर, दैट इज टिश्यूज। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट टिश्यूज। सो लेट्स डू अ लिटिल रीकैप। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बट व्हाट आर दीज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सारे फंक्शंस सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म कर सकता है। व्हाट आर दीज फंक्शंस? जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस जब एक ही सेल परफॉर्म करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड आपने अपने 6th स्टैंडर्ड से इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज सेल्स का एग्जाम्पल इफ आई टेल यू इज ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स। नाउ इन ह्यूमन बॉडी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ आई विल टेल यू एग्जाम्पल ऑफ वन सेल, दैट इज मसल सेल। नाउ व्हाट डज अ मसल सेल डू? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स। नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या करता है? आपको मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, देन वी कैन टेक ब्लड सेल्स। नाउ ब्लड सेल्स, दे हेल्प यू इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके सेल्स आपके बॉडी में परफॉर्म करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। वी लर्न अबाउट देम अ लिटिल लेटर इन दिस सेशन ओनली। नाउ एज आई टोल्ड यू कि देर आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट आर दीज ग्रुप ऑफ सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज टिश्यूज। Now to simplify it, I would like to say ki what are tissues? Tissues are a group of cells or a cluster of cells which perform a particular or designated function in a multicellular organism. Now in this chapter, we'll be discussing about, first we'll discuss about plant cell and then we'll be discussing about plant tissues. Now pehle dekhte hain what are plant tissues. Now plant tissues are mainly of two types. Now what are these two types? Meristematic tissues and permanent tissues. Now let's look at what meristematic tissue is. First aap dekh sakte ho flow chart mein, meristematic tissue is of three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Now then we have our permanent tissues. Permanent tissues ke bhi do types hote hain. What are these two types? Simple permanent tissues and कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ना सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या है? ये अगेन आपके थ्री टाइप्स के हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आपका पेरेन्काइमा के भी दो टाइप्स होते हैं: एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एंड यू हैव स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो हैज टू टाइप्स, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइट्स। एंड आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप्स हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम।
इफ यू सी दिस फ्लो चार्ट, इससे थोड़ा इजी होगा आपको आपको डिफरेंशिएट करने में कि दो टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. नाउ व्हाट आर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज? सी, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. ये सेल्स क्या करते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग देम सेल्स. ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और न्यू न्यू टिश्यूज बनाते हैं. एंड व्हाट आर द कॉम्पोनेंट, या फिर ये किस चीज से बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. या आपने आपके प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा दैट प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सिंस ये टिश्यूज कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत डेंस होता है और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि वैक्यूल का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है. नाउ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एज आई टोल्ड यू, दे आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स. नाउ ये किस बेसिस पे हम इन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. नाउ ये थ्री टाइप्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपका एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द शूट एंड ऑन द टिप ऑफ द रूट. Now, what does this apical meristem does? ये continuously divide करता है और आपके shoot और root दोनों के size को increase करने में help करता है. As you know that the root has to penetrate deep into the soil, absorb water and nutrients. उसको कौन grow करने में help करेगा? These apical meristem tissues. And same goes for the shoot, which is present in the aerial part of the which is the aerial part of the plant. उसके growth में कौन help करता है? उसका apical meristem tissues. Now this lateral meristem tissues, as you can see in the diagrams, they are present on the lateral side of the plant, और हम बोल सकते हैं base of the plant में present होते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ trees होते हैं जिनका trunk बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कुछ trees होंगे जिनका trunk थोड़ा छोटा होगा. तो ये size कौन determine करता है? आपका lateral meristem ही determine करता है. कैसे? क्योंकि ये laterally grow करते हैं, ये laterally divide करते हैं, तो ये आपके trunk के size को determine करेंगे. Now talking about intercalary meristem, as the name suggests, intercalary, ये आपके कहाँ present होते हैं? They are present between two nodes. ये आपके internodes के बीच में present होते हैं. Now where are internodes present? ये जो आपके दो leaves जहां पर अटैच होते हैं वहां पे जो दो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स. तो इन दोनों के बीच में जो मेरिस्टम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम? ये भी आपके प्लांट के ग्रोथ में या प्लांट के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ये आपके इंटरकैलरी जो आपका इंटरनोड है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो ये आपके टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिवाइड किए गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज. आपने देखा मेरिस्टमैटिक टिश्यूज को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया. वी हैव लर्न दैट मेरिस्टमैटिक टिश्यूज थ्री टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. नाउ व्हाट इज परमानेंट टिश्यूज? एज द नेम सजेस्ट, परमानेंट टिश्यूज कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि परमानेंट रोल लेके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दे आर नॉट लाइक योर मेरिस्टमैटिक टिश्यू विच कीप ऑन डिवाइडिंग. परमानेंट टिश्यूज आर दोज मेरिस्टमैटिक टिश्यूज. अब व्हाट हैपेंस, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन आई हैव रिटन एंड आई हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? नाउ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज ही दे गो अंडर डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? दे गो अंडर डेवलपमेंट एंड देन दे टेक अप द रोल ऑफ परमानेंट टिश्यूज. वो क्या करते हैं? दे टेक अप अ सर्टेन रोल कि हाँ अब ये वाले सेल्स जो है दे विल स्टॉप डिवाइडिंग, दे विल नॉट डिवाइड एनी मोर एंड दे टेक अप द रोल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. दैट इज वाई दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज. नाउ परमानेंट टिश्यूज को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नाउ व्हाट आर दीज पार्ट्स? दीज आर टू पार्ट्स. पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. सिंपल परमानेंट टिश्यूज के भी कितने टाइप्स हैं? बेसिकली फाइव टाइप्स होते हैं. मेन आपके थ्री टाइप्स हैं, उसमें एक पेरेन्काइमा का दो और टाइप्स होते हैं. तो नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज के जो फाइव टाइप्स हैं वो क्या है? पेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. फर्स्ट क्या है मैम, आपका इससे पहले कि हम उनकी डिटेल में जाएं और उनके बारे में ज़्यादा डिटेल लें, यहाँ पर हम आपसे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्यों इनका नाम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज रखा गया मैम?
यस मैम, सी सिंपल परमानेंट इश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज हमने इसलिए रखा है क्योंकि अब जब आप आगे भी पढ़ोगे तो यू विल नोटिस कि जो ये पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और आपके एरेन्काइमास जो ये सेल्स हैं, ये आपके किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सिंपल परमानेंट इश्यूज. एंड व्हेन वी विल गो एंड लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यूज, देयर यू विल सी दैट दे आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ के टिश्यूज से बने हुए हैं, परमानेंट टिश्यूज से. दैट इज वाई वी कॉल देम एज परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड इन्हें हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और वहां पे आपको ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलेंगे. ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैरेन्काइमा. नाउ व्हाट इज पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू डज? ये आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इफ यू विल रिकॉल, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस है, स्टोरेज है एंड गैसियस एक्सचेंज है, तो ये बेसिकली आपके कहाँ मिलेंगे? वेयर विल यू फाइंड दीज टिश्यूज? यू विल मेनली फाइंड देम इन द लीव्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस, क्योंकि लीव ही आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली ये वही को मिलेंगे. नाउ दीज आर लिविंग सेल्स, इनके जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पेरेन्काइमा सेल इज दैट दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. नाउ यू कैन सी हियर वी हैव अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड. यू कैन सी दैट द सेल वॉल इज वेरी थिन, न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड वी हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम. जब आप बाकी तीनों के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट पैरेन्काइमा हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस. नाउ द सेकंड टाइप इज कोलेन्काइमा. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा? बिफोर कमिंग टू द फंक्शन, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ. आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा विंड चलती है और आपने प्लांट्स को देखा होगा, तो इट्स नॉट वेरी इजी कि प्लांट इजीली ब्रेक हो जाते हैं, है ना. बहुत ज्यादा भी हवा चल रही होती है तो प्लांट दे बेंड, देन जब हवा रुक जाएगी तो दे वापस दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. यस, नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि इफ प्लांट इज बेंडिंग देन अगेन इट्स कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ऐसा क्या प्रेजेंट है प्लांट में जो उनको इस चीज में हेल्प करता है? सो वहां पर आपके कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? Colenchyma tissues are present because they make the plant flexible. They support in flexibility. Plant ko easily break nahi hone dete hai. And kyun break nahi hone dete? Because they have very two important components in their cell wall. What is these two important components? Cellulose and pectin. और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस को, तो इंटरसेल्युलर स्पेस पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्रेजेंट होती है. एंड इनके जो सेल्स होते हैं, इनके सेल्स में कॉर्नर्स में ये थिक होते हैं, इरेगुलरली थिक है. व्हाई दे आर थिक एट द कॉर्नर्स? बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दे हैव टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सो दैट वो इजिली ब्रेक ना कर जाए. प्लांट हमारे यूजुअली कहाँ से ब्रेक करता है? उसकी लीव्स टूट जाते हैं या स्टेम्स ब्रेक कर जाती है, तो ज्यादातर ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? यू विल फाइंड देम इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट. नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम. सी इफ यू वांट टू कंपेयर योर पेरेन्काइमा, ये देखिए पेरेन्काइमा में इफ यू सी लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज थिन, बट इफ यू सी हियर इन कोलेन्काइमा सेल वॉल इज स्लाइटली थिकर एंड जीरो टू नो इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है. नाउ द थर्ड टाइप इज योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स. नाउ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा से काफी डिफरेंट होते हैं. व्हाई आर दे सो डिफरेंट? बिकॉज दे आर डेड सेल्स. अभी तक हमने पढ़ा कि पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा बोथ आर लिविंग सेल्स, बट स्क्लेरेन्काइमा कैसे सेल्स हैं? ये डेड सेल्स होते हैं. नाउ व्हाई आर दे डेड? बिकॉज ये आपके प्लांट के पार्ट्स को हार्ड और रिजिड बनाते हैं. आपके इफ आई टेल यू एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोकोनट का फ्रूट, देखा कोकोनट, देखा आपने कोकोनट ट्री का फ्रूट, उसका जो आउटर शेल होता है वो कितना हार्ड होता है ना. नाउ व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज. नाउ व्हाट इज दिस? ये जो आपका डेड सेल डेड सेल्स हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? इसमें क्या ऐसा प्रेजेंट होता है? लिग्निन इज प्रेजेंट. लिग्निन इज अ टाइप ऑफ मटेरियल जो कि काइंड ऑफ, अगर आप मैं बोलूं तो इट्स लाइक सीमेंट. ये आपके जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दैट इज व्हाई लिग्निन एक मटीरियल है जो इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें भी नो इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट कि ये कहाँ, वेर विल यू फाइंड देम? यू विल फाइंड देम इन स्टेम, वेन्स ऑफ लीव्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स. आपने देखा होगा आलमंड की जो सीड होता है उसकी भी कवरिंग बहुत हार्ड होती है.
Now have a look at the diagram. Now you see, ये देखिए स्क्लेरेंगामा. There is no, अब ये dead cell है, तो dead cell में there is no nude of nucleus, cytoplasm, vacuole कुछ भी present नहीं होगा. सिर्फ ये सिर्फ क्या present है? Thick lignified आपकी wall present है. Zero इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये आपके क्या करते हैं, ये आपके सेल को या आपके प्लांट के पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रिजिड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने तीन पार्ट्स तो कर लिए, नाउ टू पार्ट्स आर लेफ्ट. व्हाट आर दीज टू पार्ट्स? एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा. एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा दे आर अ पार्ट ऑफ पेरेनकाइमा ओनली. पेरेनकाइमा अभी हमने फ्लो चार्ट में भी वी हैव सीन दैट योर पेरेनकाइमा के दो पार्ट्स होते हैं, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा. एज द नेम सजेस्ट, व्हाट आर एरेनकाइमा? एरेनकाइमास आर दोस सेल्स व्हिच हैव लॉट ऑफ एयर स्पेसेस बिटवीन देयर सेल्स. बहुत सारा एयर स्पेस प्रेजेंट होता है. एंड टॉकिंग अबाउट क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो दे आर ग्रीन इन कलर. क्लोरेनकाइमा इज प्रेजेंट. अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो क्लोरो बन के आएगा. नाउ व्हाट इज क्लोरो? यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दे आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. क्यों फाउंड होते हैं लीव्स में? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दे आर अ टाइप ऑफ पेरेनकाइमा ओनली. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर एपिडर्मिस. नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? अभी तक हमने देखा अबाउट टिश्यूज, देखा दैट देर आर दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एंड देन वी विल बी लर्निंग अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. बट बिफोर मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, the plant body is entirely covered by a layer of cell, or we can say single layer of cell, which is known as epidermis. Epidermis, agar aap isko break karenge, to epi means outer surface. Okay, a layer of outer surface which is present, which covers the entire part of the plant body. Ye flat cells hote hain, there's no intercellular space between them. Okay. And also ये जो epidermis present होती है plants में, it is a little different in case of जो आपके plains में या जो normal environment में आपका plant find किया जाएगा, उसमें एक single layer of epidermis present होगी. But if you go on seeing the epidermis of plants which are found in desert area, which we also known as xerophytes plant, उसमें आप देखेंगे कि जो ये epidermis होती है ये बहुत ही thick होती है. Why it is so thick? Because in the desert area, as you all know, that the plants perform transpiration. Now, what is transpiration? It is exchange of or the removal of extra water which is present inside the plant body. Now, since desert mein toh waise hi pani itna kam milta hai, so the plant do not need to perform transpiration. So, what helps in reducing the process of transpiration? Epidermis. So, what does the plant do? Kaise evolve ho gaye? Plant mein na thick layer of epidermis present hoti hai, which helps them to reduce the process of transpiration. If you can see here, I have a diagram also for you. ये आपके leaf का cross section present है, जिसमें आप देख सकते हो कि upper epidermis present है, which is single layer. और जो आपकी lower epidermis है, ये देखिए, ये भी आपकी single layer है. Upper epidermis is also single layer. And also, if the epidermis is present on whole part of the plant, तो आपके epidermis ना roots में भी present होते हैं. अब roots में जो epidermis present होते हैं, उनका एक थोड़ा सा different structure है, that they have hairs on their epidermis. Now what does the hair help? किस चीज में help करता है? वो आपके absorption के area को और increase कर देगा. Number of small small hairs are present, तो more water can be absorbed. जी. मैम, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 5 मिनट का समय हमारे पास है इस सत्र के लिए, तो ये समय सीमा हमारे पास, और यहाँ पर हम आपसे एक बार फिर से हम एपिडर्मिस के फंक्शंस के बारे में जानना चाहेंगे मैम. ओके मैम जी. ओके, सी एपिडर्मिस एज आई टोल्ड यू इज प्रेजेंट एज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट. ओके, इट इज प्रेजेंट कवर्स द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन, तो ये आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करता है from the outer environment. Second is that epidermis which is present in the desert plant, वो help करता है आपके transpiration process को बहुत ही कम करने में, कि बिल्कुल भी पानी का exchange ना हो, so that the water does not lose water, the plant does not lose water which is present in the plant body. So the main function is कि वो आपके plant को protect करने में help करते हैं, and second would be that they reduce the process of transpiration in case of desert plants. नेक्स्ट आई विल गिव यू अ लिटिल
introduction about complex permanent tissues. Now, complex permanent tissues, as we have said, simple permanent tissues, complex permanent tissues, ये permanent tissues का second part है. Now, complex permanent tissues उस simple permanent tissues से क्यों different है? As told you earlier, that they have a group of different kind of cells present in them which perform a similar function. Now, there are two types of complex permanent tissue, that is xylem and phloem. Now, if you see, xylem. Now, xylem ka main function kya hai? Xylem is a dead cell. Now, xylem has three important different cells. Now, what are these three important different cells? Tracheids and vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. Out of this, xylem parenchyma is a living cell. Now, here I have written the functions of tracheids and vessels. Tracheids and vessels, as the name suggests, a tube-like structure present hote hain. Now, what is the function of xylem? Xylem helps in exchange of your food material from one part of the body to the other part of the body. Here you can see the diagram also ki kaise aapke xylem mein ye sare different types of cells ek saath present hote hain. Xylem parenchyma, xylem vessel, tracheids, ye sab ek saath present hote hain and they help you in the exchange of food from one direction to the other direction. The second type is your phloem. Ab now phloem same kind of function perform karta hai xylem ki tarah. It helps in the movement of the food from leaves to the other part of the plants. Iske bhi four important parts hai, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Now if you see in the diagram, you'll understand it a little better. Ye dekhiye, ye raha aapka sieve pore, iske saath companion cell. Now what does companion cell do? They help in the function of sieve cells ke function ko hi help karte hain companion cell. Then we have phloem parenchyma, they help in storage of your starch and protein. And then we have sieve tube element jo ki aapke phloem parenchyma ko hi help karte hain aur sieve companion cell ko dusre sieve companion cell se attach karne mein aapko help karte hain. And here we've come with the end of आपका plant tissues. आपने plant tissues के बारे में देख लिया. The plant tissues are divided into two types, meristematic tissues and permanent tissues. Now meristematic tissues are of three types based on your location, that is apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. Then we came to your permanent tissues. Now permanent tissues are again of two types, simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues आपके five types के हैं, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then parenchyma is again of two types, that is parenchyma and chlorenchyma. And your permanent or your complex permanent tissues, they are of two types, that is xylem and phloem. और xylem और phloem को ही हम vascular bundles of plant बोलते हैं. Now what is vascular bundles of plant? They help in exchange of food and water material from one part of the plant to the other part of the plant. And we have also seen the diagrams of your xylem and phloem. Okay. तो ये तो बात रही टिश्यूज़ की, हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे. थैंक यू सो वेरी मच स्मृति मैम, आपने इतने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया हमारे सभी व्यूअर्स और लर्नर्स के लिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. और अपने सभी देखने वालों से हम ये कहेंगे कि हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से आराम से समझ में आया टिश्यूज़ के बारे में. और आज हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. और कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in. आज के सत्र की डिटेल के साथ आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं. और इससे पहले कि मैं आपसे अनुमति लूँ, आपको बता दूँ कि एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे हम. ब्रेक के बाद अपने लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि इंग्लिश के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. और हमारा टॉपिक रहेगा राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. तो किस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सकते हैं आपको उस सत्र में बताया जाएगा. तो आप बने रहिए ए विद्या चैनल्स पर. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति. नमस्कार.